गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन ई वी एस क्लास डियर चिल्ड्रन टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स द यूनिवर्स सो डियर चिल्ड्रन प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर ट्वेंटी एट एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी यस डियर चिल्ड्रन द यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होता है दुनिया पूरा विश्व हमारा पूरा ब्रह्मांड ठीक है अवर यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैनी प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज प्लैनेट्स होते हैं ग्रह लाइक अवर अर्थ है ना हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है एंड हेवनली बॉडीज होती हैं जैसे सन मून स्टार्स जो भी दुनिया में आ, संसार में जो भी चीज़ है ठीक है खगोलीय पिंड भी बोलते हैं इनको आपको ये मीनिंग अभी नहीं इतने अच्छे से समझ आएगा बट धीरे धीरे आप ये जैसे जैसे बड़े होंगे इस चीज़ को समझेंगे अभी के लिए इतना ही समझो कि हेवनली बॉडीज़ कौन सी हैं सन मून एंड स्टार्स ओके द सन द मून एंड द स्टार्स आर इंक्लूडेड इन आवर यूनिवर्स सन मून स्टार्स हमारी दुनिया में इंक्लूडेड इंक्लूडेड होता है शामिल होना ठीक है द प्लानट अर्थ इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और जो यूनिवर्स है ना उसका ये अर्थ हमारी जो अर्थ प्लानट है ना वो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है द सन द मून एंड द स्टार्स आर नोन एज हेवनली बॉडीज इनको हम क्या कहते हैं सन मून और स्टार्स को हेवनली बॉडीज द सन इज सीन ड्यूरिंग द डे एंड द मून शाइन सेट नाइट दिन में हमें क्या दिखता है सन और रात को क्या चमकता है शाइन मीन्स चमकना नाइट मीन्स रात को मून रात को होता है, है ना अब यह आप पिक्चर देखो ये पिक्चर है सोलर सिस्टम की थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको या ये देखो आप ये सोलर सिस्टम है सोलर सिस्टम क्या होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें सन है और उसके आसपास बाकी के प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज़ घूमती हैं ऑर्बिट्स ठीक है घूमना और, और ये सोलर सिस्टम जो है वो है सन की फैमिली सबसे बीच में सेंट्रल पार्ट क्या है सन सन क्या होता है एक स्टार होता है और फिर उसके आसपास एट प्लैनेट्स एंड बाकी की हेवनली बॉडीज जो हैं वो घूमती रहती हैं इसके देखो कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं ये तो सन हो गया फिर उससे सबसे नज़दीक होता है मरकरी। बहुत छोटा सा प्लैनेट है देन आता है वीनस फिर हमारी अर्थ उसके बाद मार्स यानी मंगल फिर आया जुपिटर देन सैटर्न फिर यूरनज और फिर आता है नेपच्यून ओके okay? तो ये एट प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूमते रहते हैं एंड दे ऑल टुगेदर मेक अवर सोलर सिस्टम अब इसमें सोलर सिस्टम में जो मेन फोर हमारे इस टाइम पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है सन मून स्टार्स एंड अवर प्लानट अर्थ ठीक है तो आज हम सिर्फ सन के बारे में पढ़ेंगे एंड बाकी सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में और ये देखो बेटा आगे देखो लेसन में सोलर सिस्टम इन अवर सोलर सिस्टम देयर आर एट प्लैनेट्स एलंग विद द सन अभी हमने यही किया ना सन के आसपास कितने प्लैनेट्स देखे थे एट राइट right? अब सन के बारे में पढ़ते हैं द सन द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस सन क्या है गैसेस की एक बहुत बड़ी सी बॉल है ठीक है इट इज़ हॉट ब्राइट एंड गिव्स अस लाइट ये बहुत गर्म होता है हॉट means गर्म ब्राइट means चमकदार और हमें क्या देता है लाइट रोशनी देता है इट इज़ many टाइम्स बिगर देन द अर्थ और ये अर्थ से बहुत बड़ा है मेनी टाइम स्पीकर बहुत बड़ा ओके okay? देखो यहाँ पिक्चर से भी हमें पता लग रहा है अर्थ कितनी छोटी सी है है ना और सन देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा है सन वी कैन नॉट लुक एट द सन आपने कभी सन की तरफ देखा है देख नहीं पाते क्योंकि उसकी हीट बहुत तेज आती है ठीक है ना वो हमारी आंखों को चुभ जाती तो हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते द सन राइजेज इन दस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट आपको डायरेक्शंस पता है ना देर आर फोर डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट होता है पूर्व वेस्ट होता है पश्चिम तो सन जो है वो पूर्व दिशा यानी ईस्ट से राइज होना राइज होना मतलब उगना निकलना ठीक है निकलता है और सेट्स से यानी डूबना कहाँ चला जाता है वेस्ट में वेस्ट क्या है पश्चिम में यानी सुबह ईस्ट से निकलता है और शाम होते होते वो घूमते घूमते हमें वेस्ट में जाके डूब जाता है ठीक है ये लेट्स नो द सन गिव्स हीट एंड लाइट ये अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था हीट भी देता है गर्मी देता है और लाइट यानी रोशनी देता है लाइफ नेक्स्ट पेज पे देखो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट द सन अर्थ पर सन के बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं सोचो अगर आपको धूप नहीं मिलेगी गर्मी नहीं मिलेगी रोशनी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे बहुत मुश्किल है ना फिर लाइफ द सन इज अ स्टार और सन को क्या कहते हैं एक स्टार है ठीक है सन एक स्टार है तारा ओके द बिगेस्ट स्टार अच्छा आज इतना ही बेटे आपने होमवर्क में इसी पेज को रीड करना है केयरफुली कुछ नहीं समझ आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे